नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। देश में एक बार फिर से कैंडल मार्च हो रहे हैं, एक बार फिर से इंसाफ की लड़ाई का जज्बा जाग उठा है। एक बार फिर से महसूस हुआ है कि यहाँ कमजोर और ताकतवर के बीच की लड़ाई में कमजोर पिसने लगा है और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हुआ है कि ये लड़ाई आखिर कब तक चलेगी। इस बीच दलित और कमजोर की आवाज उठाने वाले देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी को लगता है केंद्र सरकार जिम्मेदार है तो किसी लगता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के VC को इसका जिम्मेदार बताया जाना चाहिए। हर कोई महरूम रोहित की आवाज बनने की तमन्ना लिए बैठा है। इस बीच सवाल है कैंपस के हालात का, जहां जातिवाद के इस मसले के लिए आखिर किसे जिम्मेदार बताया जाए। सवाल ये है कि क्या कैंपस का जातिवाद अब जानलेवा हो चुका है। कैंपस में अगर सब छात्र हैं तो फिर कमजोर कौन। कैंपस के कास्टिज्म पर आज होगा बिग फाइट लाइव। आज के मुद्दे पर बात होगी, खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। NSUI के प्रदेश प्रवक्ता नरसिंह किराड़ जी हमारे साथ हैं। SFI की जयपुर जिला कार्यकारिणी के सदस्य संदीप सुंडा जी और विश्लेषक मानचंद खंडेला जी बातचीत में हमारे साथ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ एक रिपोर्ट जो देश के सवाल आपके सामने जाहिर करेगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के दलित छात्र नेता रोहित वैमुला की खुदकुशी के बाद एक बार फिर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। हॉस्टल से निकाले जाने के 15 दिनों बाद उसी हॉस्टल के एक कमरे में PhD के होनहार छात्र ने खुद को फांसी लगा ली। क्या रोहित ने वाकई आत्महत्या की है? रोहित की आखिरी चिट्ठी पर गौर करने के बाद इस तस्वीर को लेकर फिर भी संशय हो रहा है। पर आरोप है कि रोहित की जान जाति व्यवस्था ने ली है। दलित छात्र नेता की आत्महत्या के बाद देश के नेताओं को भी राजनीति करने का एक नया मौका मिल गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने जहां केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय पर मामले में लगे आरोपों को लेकर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया, इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को हैदराबाद पहुंचे। राहुल गांधी ने कहा कि छात्र अन्याय और यूनिवर्सिटी में दलित छात्रों के सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और आरोप लगाया कि इस मामले में छात्र के पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि दिल्ली में बैठे मंत्री का दबाव था। वहीं इस छात्र की मौत के बाद पूरे देश में मानव छात्र संगठन सड़क पर उतर आए। चेन्नई, पुणे, मुंबई, दिल्ली, अजमेर और जयपुर के छात्र सड़कों पर आए और प्रदर्शन करने लगे। अब दूसरी ओर मुद्दे के गर्मा जाने के बाद शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यह दलित बनाम गैर दलित का मामला नहीं है। माँ और मंत्री होने के नाते रोहित की मौत से वो भी दुखी हैं। वहीं रोहित ने अपने सुसाइड नोट में किसी अधिकारी या सांसद का नाम नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जिस देश में राजनीति विकास के काम से ज्यादा जाति के नाम पर होती हो, यूनिवर्सिटी और हॉस्टल में एडमिशन की प्रक्रिया में छात्र की गुणवत्ता से ज्यादा छात्र के दलित और गैर दलित होने पर ध्यान दिया जाता हो तो फिर ऐसे मामलों के लिए कौन जिम्मेदार है? यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद विभाग के साथ ही छात्र विशेष राजनीति पार्टियों से जुड़ जाता है और कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होता नजर आता है। छात्र संघ चुनाव में भी सीटों के बंटवारे से लेकर नतीजों तक जात पात पर जोर दिया जाता है। तो फिर इस पूरी व्यवस्था और कैंपस में कास्टिज्म के लिए किसे जिम्मेदार समझा जाए? क्या आजकल बड़े शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित प्रभाव बढ़ा है? क्या कैंपस में राजनीति दखल के कारण
जातिवाद बढ़ा है? क्या कैंपस में पिछड़ी जातियों के छात्रों से दुर्व्यवहार होता है? क्या सरकारी दखल से कैंपस का जातीय प्रभाव रोका जा सकता है? और क्या शिक्षण संस्थानों में आरक्षण खत्म होने से ही जातिवाद खत्म होगा? और इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल, बिग फाइट लाइव के जरिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बड़े शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित प्रभाव पड़ा है? आपकी राय हमारे वेबसाइट पेज के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में आपकी राय क्या होगी ये भी दिखाया जाएगा। सबसे पहले रोहित हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक छात्र, जिसे दलित बताया गया, जिसे कहा गया कि खुदकुशी के पीछे कहीं ना कहीं जातिवाद उस पर असर किया, इसी को लेकर सबसे बड़ा सवाल मैं लक्ष्मीकांत जी आपके पास लेकर आना चाहता हूं। क्यों बीजेपी इस मसले को मानती है कि ये दलित और गैर दलित का मसला नहीं है, जबकि पूरा देश चिल्ला चिल्ला कर आज इसी आवाज को उठा रहा है? देखिए, क्योंकि ये मसला दलित बनाम दलित का है ही नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इसको इस तरह का मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, अगर ये दलित के ऊपर किसी अत्याचार का मामला होता और फिर उसके बाद वो सुसाइड कर रहा होता लड़का, तो निश्चित रूप से वहाँ के वाइस चांसलर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो लोग उसके लिए जिम्मेदार थे उनके भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये मसला जो है ये विचारधारा का है। ये जो छात्र जिसने सुसाइड की है, ये एक विचारधारा विशेष का छात्र जिसने याकूब मेनन की फांसी का वहाँ पर विरोध किया, जहाँ पर गोमांस की पार्टी देने का वो समर्थन रहा, उसने सब किया। इस बात को लेकर, इस बात के विरोध में एक एबीवीपी के कार्यकर्ता ने फेसबुक पर ये लिख दिया कि जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं वो गलत है। सुबह उस छात्र को कैंपस के अंदर पीटा गया। ये विवाद की मुख्य जड़ है। इसमें जाति कहां से आ गई? आप एक विचारधारा की खबर कहती है कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र ने पिटाई का आरोप लगाया, कहा गया कि उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन था, मारपीट नहीं हुई उसके साथ। नहीं, ये तो कहने को कुछ देश में कुछ भी कहा जा सकता है। जो लोग इस बात पर मोमबत्तियां जला रहे हैं, जो लोग वहां जाकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, आप देखेंगे कि पिछले 6 महीने में इस देश की तरक्की से डरने वाले लोग इस पूरे पिक्चर में आपके फ्रेम में भी देख लीजिए, बेक में जाकर देख लीजिए। याकूब मेनन की फांसी का विरोध करने वाले भी यही लोग थे, अवार्ड वापसी करने वाले भी यही लोग थे। और विचारों की आजादी है देश में? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है, विचारों की आजादी है। इसीलिए तो याकूब मेनन जैसे देशद्रोही, आप देखिए कैसे दलित हो सकते हैं, इस तरह की बात करिए, मुझे बताइए। बाबा साहब भीम अम्बेडकर ने, मेरे सवाल को आप फिर कहीं गलत दिशा में ले जा रहे हैं। इसी सवाल को लेकर संदीप सोंडा जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगा। हैदराबाद में रोहित की मौत, खुदकुशी, इस मसले को लेकर आप क्या मानते हैं? इस मसले को लेकर सर इतना ही मेरा कहना है कि ये पूरा एकेडमिक्स और राजनीति से प्रभावित है और हर एक व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और उस पर जब भी हमला होता है तो वो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। वो अपने हकों की मांग करते हैं, उन पर दमन किया जाता है, ये इग्नोर किया जाता है। ये क्यों इग्नोर किया जाता है, सवाल यही है। रोहित सवाल पैदा करता है कि कैंपस में क्या राजनीति जायज नहीं है? आज देश स्तर पर सुई से लेकर बड़ा से बड़ा जहाज बनता है, पूरा राजनीति के दृष्टिकोण में, राजनीति की दृष्टि से बनता है। तो विद्यार्थी लोगों का भी ये हक है कि मैं मेरी राजनीति, लेकिन यहाँ राजनीति की बात कहीं ना कहीं जातिवाद के जरिए आ रही है, जातिवाद ने असर किया, यही तो मुद्दा आज देश में बना है। राजनीति का मसला आया कहां पर? राजनीति बिल्कुल इफेक्ट कर रही है इस मामले को। राजनीति तो मौत के बाद, जाति के बाद आई है, इसलिए कर रही है कि आज इस मौत का कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और वहां का एकेडमिक्स और पॉलिटिक्स के लोग मिलकर के ये तय कर रहे हैं कि ये जातिवाद है ये राष्ट्रवाद है और ये राष्ट्रद्रोही है। जिसने लड़का ने सुसाइड की, वो 28 साल का नौजवान है, PhD स्कॉलर है, उसने अपना एक सुसाइड नोट लिखा है। उस सुसाइड नोट में उसने कहा कि मेरी मौत का मैं जिम्मेदार हूं, इसके लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। उसने किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं लिखा। जिनको जहरीली राजनीति करनी है वो इसको राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं। अगर वो 28 साल का नौजवान जो PhD स्कॉलर है, जो समझदार है, अगर वो किसी व्यक्ति से पीड़ित था, किसी संस्था से पीड़ित था, तो उसका स्पेसिफिक नाम का जिक्र करता, उसने 2 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है। आप देखिए, इस पर उस व्यक्ति ने राजनीति नहीं की है जिसने जान दी है, उस व्यक्ति की जान जाने के बाद जो जहरीली राजनीति करने वाले लोग इस देश में है वो लोग राजनीति। नरसिंह में आपके पास में आना चाह रहा हूं, राहुल गांधी की ओर इशारा कर रहे हैं यहां पर फिलहाल लक्ष्मीकांत जी, और इसका इशारा ये भी है कि कल केजरीवाल भी हैदराबाद चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जो कहकर आए, क्या आपने भी इसी का तजुर्बा लिया? इतने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक नौजवान लड़का जो रिसर्च स्कॉलर था हैदराबाद यूनिवर्सिटी का, इतना होनहार छात्र, उस जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, उस माँ के दर्द को क्या कोई समझ पाता है? आज ये दलित और गैर दलित होने की जो बातें यहाँ की जा रही हैं,
तो फिर क्यों ना बीजेपी पार्टी फ्रंट में आई, क्यों ना उन्होंने कोई एक अच्छी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई, बनाते ऐसा क्या कारण था कि रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी हॉस्टल से निकाला पड़ा? ऐसे उन्होंने कौन सा बड़ा गुनाह किया? एचआरडी साहब के माध्यम से जानना चाहते हैं, मेरा सवाल सिर्फ यह है कि उसने क्या गुनाह किया कि इतने नेट जारे स्टूडेंट को रिसर्च स्कॉलर स्टूडेंट को बाहर निकाला? मैं बताऊं उसके बाद मंत्री उसके ऊपर कार्रवाई करने की डिमांड कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं देश में आज युवा बेरोजगारी के लिए। अरे भैया आप सुसाइड पर आइए, सुसाइड पर आइए, आप सुसाइड पर लिखिए। हो रहा है कि एक जीआरएफ का बंदा जो स्कॉलरशिप लेके अपना जीवन चला रहा है, अपने सात महीने से सहारा दे रहा है, जवाब कीजिए पहले लक्ष्मीकांत जी। सात महीने से स्कॉलरशिप रोकी गई थी, इसलिए बात का जो जिक्र है लेटर में। मैं बताऊँ आपको, स्कॉलरशिप इसलिए रोकी गई क्योंकि सात महीने से वो यूनिवर्सिटी से सस्पेंड था, इसलिए उसकी स्कॉलरशिप रोकी गई। देखिए अगर केवल दलित होने के नाते आप ये कहते हैं कि आप दलित हैं इसलिए आप पर अत्याचार हो रहे हैं, देखिए एक षड्यंत्र है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये देश का संविधान बनाया, इस देश के संविधान के आधार पर इस देश में याकूब मेनन को फांसी हुई जिसने 250 लोगों को फिर याकूब पर आ जाते हैं, सुई को आगे बढ़ाइए, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं दलित को तोड़कर बेटा बेटे ने अपनी जान दी, अरे भैया दलित पर दलित को तोड़कर, ये दलित को तोड़कर आप साथ मेरा संचरा करना चाहते हैं, मैं ये देश को तोड़, आप मेरा सवाल के साथ दीजिए, मैं इसमें कहां जाना चाहता हूं, दलित के उसने नहीं कहा कि मैं तुम्हें से चाहता है, मैं चलिए मैं मेरे ख्याल से कैंपस की नब्ज को समझने की जरूरत है। मानचंद खंडेला साहब आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पूरे मसले पर, हैदराबाद की तस्वीर का? बिल्कुल मैं आपका सवाल उठाऊंगा संदीप जी, फिर लूंगा आपका सवाल। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये शायद पहला मामला नहीं है, 14 आत्महत्याएं पहले भी दलितों के द्वारा की जा चुकी है, बस आपका सवाल है, मैं यही सवाल कर रहा हूँ, बोलने दीजिए मानचंद जी को भी तो बताइए। मानचंद जी हो सकता है आप ही की बात रख रहे हो, संदीप जी आप ही की बात रख रहे हो। मानचंद जी मैं यहाँ पे ये दो तीन बातें मैं जो मैं समझ रहा हूँ यूनिवर्सिटी के संदर्भ के मामले में, और अंतिम बात जो पहली बात जो है वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पीएचडी स्कॉलर स्कॉलरशिप लेकर जो पढ़ रहा है उसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी। अगर उसने करी है तो चाहे वो सामाजिक परिवेश के कारण, चाहे आर्थिक परिवेश के कारण, चाहे मनोवैज्ञानिक परिवेश के कारण या मानसिक दबाव के कारण उसने करी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। आपको नहीं लगता कि उसके साथ कुछ जाती हुई है? मेरी बात सुनिए, यानी निश्चित रूप से जो है जो कुछ ये कुछ परिणति होगी वो जायदाद कहलाएगी, इसमें कोई बात नहीं है। और मैं तीसरी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, जो लोग वहां पर राजनीति करने जा रहे हैं ना वो अपने आप में बहुत जरा त्रासदी की बात है, यानी वो जैसे ही मौका मिलता है वो वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा विश्लेषण आपको बताऊं वहां का संदर्भ क्या है। वहां का संदर्भ ये है अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन बहुत सशक्त यूनियन है, विचारधारा से सशक्त है, कार्यक्रमों से सशक्त है, अपने जो अधिकार है उनको लेने के लिए वो पूरी तरह से सशक्त है, और इस रूप में जो है वहां पे प्रतिद्वंदता चलती रहती है, और ये प्रतिद्वंदता जो है वहां से एबीपी की आप कहें चाहे वो। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं, देखते रहिए बिग फाइट लाइव जारी है। सवाल कैंपस का है, सवाल कास्टिज्म का है, और क्या सच में ये कास्टिज्म आज जानलेवा हो चुका है?